हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा है, खेत पे आए हुए हैं। क्या काम करने के लिए हम आए हुए हैं? मूंग, जिसकी भजिया बनती है, उसकी खेती जो बाली होती है वो हमारी पक चुकी है, तो हम लोग तोड़ने के लिए उसको आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊँचा है, देखो ज्वार का भुट्टा है, कच्चा भुट्टा खाती है। और मैं इसको दिखाता हूँ मूँग की घेटी कैसे तोड़ती है। कहती है मुझसे नहीं बनता है, तो मैंने कहा तुझको मैं सब सिखा दूंगा, चल खेत में चल। खाना बन नहीं आता है तुझे, कुछ काम भी करना पड़ेगा उस चीज के लिए। यार करता तो, नहीं, जो नहीं बनता तो आपसे बता तो देती हूँ। अरे चल मैं सिखाता हूँ कैसे तोड़ना है, कहाँ पे क्या लगी है, क्या करना है। हाँ तो चलो तोड़ो जल्दी। हाँ बातें नहीं बना, शाम हो चुकी है, चलो चलो जल्दी से। तो भैया यार देख सकते हो, जताना मूंग तोड़ी जाती इस तरह से, देख लो कैसे तोड़ रही है मूंग की घेती वाली। ये देखो, ये ज्वार का खेत है, इसमें ज्वार भी कटेगी कुछ दिनों में, और अभी मूंग पक गई है तो मूंग तोड़ रहे हैं हम लोग। तो ये देखो लगी है तोड़ने में इस तरह से। ये देखो ज्वार का खेत हमारा, ज्वार ही पक गए। ज्वार की रोटी खाने में बहुत आनंद आता, किसको किसको पसंद है बताइएगा। ज्वार की रोटी अच्छी लगती है यार हमको, तो हम लोग कटेगी फिर इसके बाद इसको खाएंगे, ज्वार की रोटी और चने की भाजी, बड़ा मजा आता है। और मूंग के मंगौड़ा, मंगौड़ा खाने का जिसको अच्छा लगता होगा तो खाते हैं। हमको मूंग की दाल भी अच्छी लगती है और मंगौड़ा भजिया जिसको खाते तुम्हें अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है। मुझे तो नहीं अच्छी लगती है। आपको कैसे? अरे मुझे कम लगती है अच्छी, ये तेल बोल फका ले दिखा ले। खाता हूँ ऑयली फूड, थोड़ा सा कम खाता हूँ, मजा नहीं आता है, पर खा लेता हूँ स्वाद के लिए कुछ कुछ। हाँ भाई, कोई कहते कि ज्यादा मंगौड़ा बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी ज्यादा नहीं अच्छा। अरे तुम तो खब्बी हो, खब्बू हो, खब्बू हो, तुमको जो मिल जाए वही खा ली जाती, खाती रहती हूँ। चटपटाली चाटू, चाट फ्लोरी फुलरी सब कुछ ठीक है। एक एक अच्छा खाना है तो फिर पूरी अच्छी से पूरी खेत की तोड़ देना, देखो कैसी लगी है। ये देखो इधर पे खेत पे झोंड़ने वाली मूंग है भैया, ये जो पेड़ों में झोंड़ जाती है, नीचे वाली रहती थी तो तोड़ने में आसान रहता था, ये वो पेड़ों में ज्वार के पेड़ में फैल चुकी है, तो यार इस तरह तोड़ने में बहुत दिक्कत जाती है। पता नहीं बीजा कहाँ से माजी हमारी ले आई है इस तरह का बीजा। हाँ ऊपर तक चढ़ना पड़ता है, लचकाना पड़ता है, पेड़ों को नीचे करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, अब क्या करें। इस साल का बीज ही ऐसा मिल गया है, पता नहीं कहाँ से माजी लेके आई है, तो कर रहे हैं जैसा भी है। एक एक पेड़ की नहीं, वो ऐसे में तो सीधे काटो, अलग करो और निकाल लो। हाँ भैया बताना है आप लोग, आपके यहाँ इस तरह के पेड़ है कि नीचे वाले हैं? ये अगहनी मूंग बोलते हैं इसको, अगहन में जो होती है, भादों में होती है, भदैली उसे बोलते हैं अपने यहाँ। वो वाली के अभी इस वाली में थोड़ा सा फर्क है, रहता है कुछ खाने में स्वाद रहता है अलग अलग। ठीक है दोस्तों, अब हम तोड़ लेते हैं, मैं भी लग जाता हूँ उसमें तोड़ने के लिए। तो भैया थोड़ा सा मैं, तो भैया हरा हम अब घेटी तोड़ ली, जाओ लिट्टी आज तुरा करो है, अब शाम हो गई, अब हम जैसे घर आए चलाने करा। ठीक है भैया फिर मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, चालू कर लिया करो भैया, लगा हूँ यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ती है यार। आप लोगों को लगता होगा ऐसे ही सब ऐसा ही है, नहीं भैया। ठीक है भैया।